नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड सोने। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज 14 दिसंबर और रात के 8:30 बज रहे हैं, मार्केट ऑफ है। बट जब कल मार्केट ओपन होगा तो इस शेयर में फिर से आप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए एबी फैशन की बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आदित्य बिरला फैशन एंड रियल रिटेल लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये टेक्सटाइल या फैशन डिजाइनिंग की कंपनी है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, इन ब्रांडों के साथ इनका टाइप होता है, ठीक है। फैशन के नाम से समझ आ चुका है किस चीज़ में ये क्लोथिंग है, उसमें टेक्सटाइल की कंपनी है। तो बेसिकली इसका ओवरव्यू मोटा मोटा यही है, टेक्सटाइल जो हम लोग क्लोथिंग पहनते हैं उसमें डील करती कंपनी। तो ये समझ आ गया आपको। अब समझते हैं इसके अंदर क्या है। आज ये 7% की तेज़ी के साथ ये बंद हुआ, क्या वजह है तेज़ी की ये सब समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो ये देखिए, आज ओपन होता 265.70 रुपये पे, हाई मार रहा है 290.90 रुपये का, लो मारा है 264.40 रुपये का, 52 हाई है इसका 310 रुपये का, 52 लो है 144 रुपये का। इसका ओवरव्यू आज 7.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। 5 दिन के अंदर अभी तक इसने 6% के आसपास रिटर्न दिया पॉजिटिव के अंदर। 1 मंथ के अंदर इतना -1.71% माइनस में दिया रिटर्न इसने। 6 मंथ के अंदर अभी तक 39% प्लस में दिया पॉजिटिव साइन। और ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इन्हें 71% रिटर्न दिया पॉजिटिव। इसका ये ओवरव्यू मोटा मोटा ये चीज़ आपको क्लियर आ चुकी है। अब इसके अंदर चलते इसके शेयर होल्डिंग समझते हैं। तो इसका ये ओपन होता है, इसका मार्केट कैप है, इसके प्रमोटर के पास होल्डिंग है 56.13, पब्लिक के पास है 11.13, और DIs के पास है 18.18, और FIs के पास है 13.83%, ठीक है ना। ये इसकी होल्डिंग है। अब इसके अंदर ये तेज़ी हुई है 7.5% की तेज़ी को समझने, तेज़ी क्या हुई है, तेज़ी की वजह। तो आदित्य बिरला फैशन ऑथेंटिकेटेड ब्रांड टू टेक ओवर रिबॉक इंडिया, ठीक है ना, एशियन कंट्रीज। तो रिबॉक ने क्या है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, आदित्य बिरला ने एक एग्रीमेंट साइन किया रिबॉक के साथ। तो रिबॉक के जितने भी ब्रांड है, रिबॉक का आपको बताने की जरूरत है नहीं, रिबॉक के जो भी क्लोथिंग का जो भी ब्रांड है, रिबॉक की जो भी प्रोडक्ट है, उनको जो भी सेल होगी यानी जो भी उनका बिजनेस होगा वो किसके द्वारा होगा, आदित्य बिरला फैशन एंड फैशन के द्वारा होगा, ए बी फैशन के द्वारा होगा। ये आपको क्लियर आउट हो गया ना, ये ए बी फैशन के द्वारा होगा। इसका जो ऑथेंटिकेशन हुई है तो ए बी फैशन के द्वारा होगी रिबॉक की। तो ये ओवरव्यू रिबॉक का। तो रिबॉक के साथ इनका टाइप हो गया, मर्जर हो गया आज, जिस वजह से मैं तेज़ी देखने को, इस न्यूज़ का इंपैक्ट आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि अब देखिए, एक ब्रांड के साथ एक ब्रांड जुड़ गया, यानी कि इंडिया के अंदर रिबॉक को लॉन्च करने वाला अब जो भी होगा, रिबॉक का जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी प्रोडक्ट आप रिबॉक का चल रहे हैं उसका जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा वो एशियन कंट्रीज़ के अंदर कौन करेगा, ई कॉमर्स के साथ होलसेल और रिबॉक ब्रांडेड रिटेल स्टोर को कौन इंडिया में और अदर एशियन कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट का। देखिए रिटेल, देखिए ये लिखा है राइट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल रिबॉक प्रोडक्ट बाय होलसेल ई कॉमर्स एंड रिबॉक ब्रांड रिटेल स्टोर्स इन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्री। इंडिया के साथ साथ जो एशियन की जो भी कंट्री है, एशिया के अंदर जो कंट्री है, उनके अंदर रिबॉक को रिप्रेजेंट करने वाला अब कौन है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड करेगी, ठीक है ना। इस न्यूज़ का इंपैक्ट पड़ा जब भी आज शेयर 8% की तेज़ी तक पहुँच चुका था, और आने वाले टाइम पर इसमें और तेज़ी मिलेगी। तो हमें इस न्यूज़ का व्यूज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हम थोड़े समय में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, मैं टिकट टेप के साइट पर आ चुका हूँ। टिकट टेप के साइट पर हमारे को 86 एनालाइजर बोले इसमें बाय करने के लिए, और बस यही न्यूज़ का इंपैक्ट है जिस वजह से इसमें तेज़ी आई है। अब इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं इसका थोड़ा सा टारगेट आपको बता देता हूँ। तो शॉर्ट टर्म के 10 से 15 दिन के अंदर वो टारगेट हिट होएंगे, तो आप अपने कैपिटल को इसमें बेनिफिट कर सकते हैं इसके अंदर, यानी बहती हुई गंगा में हाथ आप धो सकते हैं। तो ये देखिए गंगा बह रही है तेज़ी वाली, तो तेज़ी वाली गंगा में आप भी जाइए और डुबकी लगा के वापस आ जाइए। तो ये देखिए आज ये कैंडल बुलिश कैंडल ट्रेड हुई हैवी वॉल्यूम के साथ। ये वॉल्यूम देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम बना है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो इसका आज इसका लो था, यानी जो इसका लो था 264 रुपये का लो का स्टॉप लॉस लेके इसमें बाय कर सकते हैं आप। कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, कल इसमें और भी आप बैंक देखने को मिलेगी। बट मुझे लगता है कि इस न्यूज़ का इंपैक्ट अब इसको 52 हाईस के नए हाईस आने को तैयार बैठा हुआ। तो यहीं से जो मेरा पहला टारगेट आएगा वो आएगा 290 रुपये का, क्योंकि जो इसका आज का हाई था, क्योंकि हाई को फिर से ब्रेकआउट कर डाउन किया है। कल इसमें गिरावट मिलता है, गिरावट में बाय करिए 265 रुपये, 264 रुपये स्टॉप लॉस से बाय करिए आप। इसमें पहला टारगेट 290 रुपये का, दूसरा टारगेट 295, तीसरा टारगेट 300 रुपये, क्योंकि ये जो कैंडल है 52 हाई की है 310 तक की। तो ये जो कैंडल पे आ चुका है, इस कैंडल के पास है यानी इस लेवल पे, तो डेफिनेटली इसमें आप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। 310 तक के लेवल आपको ईजी मिल जाएंगे इसमें देखने को, शायद कल या परसों या 1 वीक के अंदर मिल जाएंगे 300 तक के, 310 तक के लेवल आराम से देख सकते हैं। तो ये देखिए RSI MACD पे भी इंडिकेशन आ चुका है, MACD पे देखिए क्रॉस मूविंग हो चुकी है, ये स्लाइटली बहुत टचिंग वाली क्रॉस मूविंग है। और देखिए RSI 60 को 60 के अबव आ चुकी है, 60 टच कर चुकी है।
ये इंडिकेशन है अप ट्रेंडिंग है, तो अप ट्रेंडिंग में आपको भी पार्टिसिपेट करना है तो कर लीजिए। 264 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे आप तो पहला टारगेट 290 का, दूसरा टारगेट 295, तीसरा 300 तक बाय के लिए पेशेंट होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।